वो डरते नहीं थे, वो डरते नहीं थे, साहस उनमें पहाड़ तोड़ने जितने था, साहस पहाड़ तोड़ने जितना था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर 2012 में आतंक का साया मंडराया, क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां जो लोगों को धोखा देके भागी थी इन्वेस्टमेंट के मामले में, उससे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के ऊपर सही कंपनियों पे भी आंच आई। तब तक भारत देश में पैरामीटर नहीं थे, कौन सही कौन गलत उनको पता ही नहीं था। हम हजारों लोग थानों में जाते थे, मंत्रियों से मिलते थे, हजारों लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब जगहों पे ज्ञापन देते थे, कहते थे अरे अरे हम डायरेक्ट सेलिंग वाले, हम प्रोडक्ट बेचते हैं भैया, हम सोना नहीं बेचते, हम डबल ट्रिपल नहीं करते, हमें चेक कर लो। लेकिन गीले सूखे सबको जला रहे थे रे, आज हम तक भी आ गई। और मुझे 25 जनवरी सन 2012 को जेल जाना पड़ा, मैं 37 दिन जेल में रहा। पूरी दुनिया ने मुझे कहा अब तो छोड़ दे, अब तो छोड़ दे। मैंने अपनी आवाज को हजार गुना करके बोला रे, अरे काम करने का मजा तो आएगा ही, अब जब दुनिया में ये पता चलेगा इन लोगों ने इंडस्ट्री बचाने के लिए जेल तक भुगती हुई है। उसी इंडस्ट्री को बचाने के लिए मेरी बेटी से उसकी क्लास में दूसरे दिन पूछा, तेरे पापा का फोटो अखबार में मेन पृष्ठ पे आया था, क्यों अरेस्ट किया? मेरी बेटी ने जिस साहस से बोला था उस दिन उस स्कूल में, अरे वो साहस अगर उसका बापू डरपोक होता तो वो बेटी नहीं जवाब दे पाती। उसने बोला मेरे पापा इस देश की सबसे अच्छी इंडस्ट्री, 1 करोड़ लोगों का रोजगार बचाने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी नहीं हटेंगे। लोगों ने कहा अरे अरे अब तो नहीं होगा, अब तो नहीं होगा। अरे सुन, उसके बाद तो मैंने मेरे घर के सामने 8x4 का बोर्ड लगवाया कि मैं करता क्या हूं। 37 दिन तक मैंने नमकीन से खाना खाया, दही के साथ खाना खाया, 3 दिन भूखा रहा, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे जो नियम है खाने पीने के, 3 दिन तक मेरे को सुविधा नहीं मिली। लेकिन मैं रोया नहीं, मैं घबराया नहीं, मैं अपलाइन को गालियां नहीं दिया, मैं मैनेजमेंट पे नहीं चिल्लाया। जिस धंधे ने मुझे पूरी दुनिया में जनवाया है, जिस धंधे ने मेरी रोजी रोटी बनाई है, जिसने मुझे जर्रे से आपताप बनाया है, अब इसका कर्ज चुकाने का टाइम है। हर्षवर्धन जिंदगी में कभी पीछे नहीं हटेगा। आप बाहर संभालो, मैं अंदर संभालता हूं।